इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पीएम मोदी ने 9 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 11 राज्यों को जोड़ेगी ये ट्रेन। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े पीएम। पीएम मोदी ने कहा, वंदे भारत ज्यादा आधुनिक और आरामदायक। लगातार बढ़ रहा है वंदे भारत का क्रेज। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला बताया। कहा, जिन राज्यों में वंदे भारत ट्रेन, वहां बड़ी संख्या में पर्यटक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी के विजन से 9 साल में बदला रेलवे सेक्टर। नई सुविधाएं हुई शुरू। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तंज कसते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि किसी पीएम ने ट्रेनों का उद्घाटन किया हो। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री लेखी का पलटवार। कहा, कुछ सरकारें घोटालों के लिए, कुछ बेहतर काम और पैसा बचाने के लिए जानी जाती हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 105वां एपिसोड आज हुआ प्रसारित। पीएम ने परिवारजनों के साथ किया संवाद। पीएम मोदी ने कहा, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स आए, भारत के टूरिज्म का अच्छा अनुभव लेकर गए। पीएम मोदी ने बोला, G20 से देश का युवा शक्ति जुड़ रहा है। 26 सितंबर को होने जा रही G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम। मन की बात में बोले पीएम मोदी, चंद्रयान 3 की सफलता से भारतीयों में गहरा लगाव। चंद्रयान को लेकर जगह जगह क्विज हो रहे हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में जर्मन सिंगर कैशमई का जिक्र करते हुए वो नजर आए। कैशमई ने गाए हैं कई देवताओं की आरती और भजन। दिल्ली में बीजेपी चीफ नड्डा ने सुनी पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात की को सुना। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और कार्यकर्ताओं के साथ भी कार्यक्रम सुनते नजर आए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का मन की बात कार्यक्रम सुना। देहरादून में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की बात की जाए तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, कार्यक्रम में हमेशा उत्साहित और प्रेरित करते हैं पीएम। पीएम मोदी ने काशी कार्यक्रम का वीडियो ट्वीट किया। लिखा, नारी शक्ति को समर्थन और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और अन्य विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री ने कंबोडिया साम्राज्य के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। समदेच मोहा बोरवोर के साथ द्विपक्षीय बैठक। मिस्र के विदेश मंत्री समहेश शौकरी से भी मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनो कोम्बोस के साथ हुई एस जयशंकर की मुलाकात। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। यूएनजीए में बोली भारत की रुचिरा कंबोज, ग्लोबल साउथ की आवाज, महत्वपूर्ण फैसलों में निभा रहे एक्टिव भूमिका। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में पुर्तगाल। न्यूयॉर्क में बोले विदेश मंत्री जो आओ, भारत में इंटरनेशनल लीडरशिप क्वालिटी। समोआ के पीएम फियामे ने यूएन में भारत की जमकर तारीफ की। कहा, भारत के सहयोग से समोआ में विकास के कई काम हुए। यूएनएससी में बोले भूटान के विदेश मंत्री दोर्जी, कोरोना काल में भारत ने की मदद, 100 देशों को भारत ने दी वैक्सीन। यूएनजीए में भारत की तारीफ पर बोले मालदीव्स के विदेश मंत्री, भारत बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया इसके लचीलेपन और कमिटमेंट के कायल। 3 बार के ग्रामी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केज ने भारत की तारीफ करते हुए कहा, इस समय भारत कहाँ है ये देखना आश्चर्यजनक। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में बोले रिकी केज, पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के G20 अध्यक्षता करने को चुनौतीपूर्ण बताया। कहा, हम पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण के साथ साथ बहुत गहरे उत्तर दक्षिण विभाजन का भी सामना कर रहे थे। एस जयशंकर ने कहा, G20 शिखर सम्मेलन में बहुत से लोग थे आश्चर्यचकित, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसकी पूरी उम्मीद थी। विदेश मंत्री ने कहा, कुछ ऐसे लोगों का समूह होगा जो अभी भी सोच रहा होगा कि ये कैसे हुआ, और कई लोगों ने इस बात की सराहना भी की। SFJ चीफ पन्नू की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद NIA का एक्शन। दूसरे देशों में भगौड़े खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी को भी जब्त करने की तैयारी। क्योंकि US, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित दूसरे देशों से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे खालिस्तानी, 19 भगौड़े खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार। पाकिस्तान के अंतरिम पीएम काकर की कश्मीर मामले पर फिर से विवादित टिप्पणी। एक इंटरव्यू में भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर तंज कसा। कारवार नेवल बेस में CDS जनरल अनिल चौहान प्रोजेक्ट सी बर्ड की समीक्षा करते नजर आए। अधिकारियों से जानकारी ली। इस बार लखनऊ में होगी आर्मी डे परेड। रोटेट वेन्यू के तहत होगा समारोह, सेना ने दी जानकारी। स्वतंत्रता ही सेवा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हम देश की 10% से ज्यादा आबादी को इससे जोड़ने में सफल होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में 75% गांव ODF प्लस की श्रेणी में आए। बांग्लादेश ने फिर लगाई मछली पकड़ने पर प्रतिबंध। भारत को 4000 मीट्रिक टन हिलसा मछली के निर्यात पर पड़ सकता है असर। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के बिगड़े बोल, पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। उदय भान ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी टिप्पणी की, उनके लिए भी किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल।
विवादित बयान पर उदय भान के बाद वो सफाई देते नजर आए, कहा इसमें गाली नहीं है, ये हरियाणा की आम भाषा है। उदय भान ने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी की भाषा पर उठाए सवाल। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उदय भान पर पलटवार करते हुए कहा उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी, मर्यादाहीन है उदय भान। उदय भान के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, पूछा कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेता उदय भान के बयान पर बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा जिसने भी ऐसा किया उसे इसके लिए मांगनी चाहिए माफी। सांसद रमेश भिदुड़ी की टिप्पणी पर हरियाणा के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा यह निंदनीय है, कुछ गरिमाएं रखी जाती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कुछ चीजों का उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रमेश भिदुड़ी मामले में बीएसपी सांसद दानिश अली पर गंभीर आरोप लगाए, स्पीकर से भिदुड़ी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, रमेश भिदुड़ी वाले मामले में एक जांच कमेटी के गठन की बात कही, दानिश अली की तरफ से की गई टिप्पणियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही। निशिकांत दुबे ने कहा रमेश भिदुड़ी ने जो कहा वो ठीक नहीं था, लेकिन ये समझना होगा कि भिदुड़ी ने किन परिस्थितियों में इस भाषा का उपयोग किया। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया, कहा दानिश अली ने लगातार भिदुड़ी के भाषण के दौरान अवरोध पैदा किया, पीएम के खिलाफ भी गलत बयानी की। रमेश भिदुड़ी ने निशिकांत दुबे के आरोपों का समर्थन किया, स्पीकर से जांच की मांग की। बीएसपी सांसद दानिश अली का बीजेपी पर प्रहार, कहा 48 घंटे के बाद ढंग के लगाने चाहिए थे आरोप। बीएसपी सांसद ने कहा दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा कि प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की कोई टिप्पणी कर सके। बीजेपी आरएसएस में दी जाती है झूठ को सच बनाने की ट्रेनिंग, झूठ को 100 बार बोलो और उसे सच बना दो, दानिश अली का बयान। सांसद रवि किशन ने स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा, दानिश अली के सदन में लगातार गलत व्यवहार पर सवाल उठाए। भिदुड़ी के बयान पर राहुल गांधी ने कहा जाति जनगणना से ध्यान भटकाने की साजिश, भिदुड़ी निशिकांत को बीजेपी ने आगे किया। राहुल गांधी का बड़ा बयान, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी और भटकाकर ही जीतती है चुनाव, कर्नाटक में हमने ऐसा नहीं होने दिया। राहुल गांधी का दावा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जीतेगी कांग्रेस, राजस्थान में भी बेहद करीबी लड़ाई। बीएसपी सांसद मलूक नागर का राहुल पर अटैक, कहा विधायकों के बाद सांसदों को तोड़ने की कोशिश, डाका डालना कांग्रेस की पुरानी आदत। मलूक नागर ने पीएम मोदी को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के दिए बयान पर आपत्ति जताई, कहा इससे देश की छवि होती है खराब। मध्य प्रदेश के शहडोल में 3 अक्टूबर को लाडली बहना सम्मेलन, सीएम शिवराज योजना की किश्त करेंगे जारी। सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज, लाडली बहना योजना की किश्त 1500 कर सकते हैं सीएम। सीएम शिवराज पर कमलनाथ का आरोप, कहा पिछले एक साल में दिए बड़े ठेकों पर ली रिश्वत, इसकी जानकारी मेरे पास। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला, लिखा बीजेपी नेताओं में निराशा और हताशा का वातावरण, उनके चेहरों पर हार स्वीकार करने का भाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का वॉर रूम, शशिकांत सेंथिल को चेयरमैन, 3 नेताओं को बनाया को चेयरमैन। जेडीयू नेता महेश्वर हजारी का बड़ा खुलासा, इंडिया अलायंस में पीएम कैंडिडेट के लिए सीएम नीतीश के नाम पर बनी सहमति। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कहा मात्र मृगत तृष्णा में जी रहे सीएम नीतीश, गठबंधन नहीं मान रहा उनको नेता। गिरिराज सिंह का हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार, पीएम को दे रहे गाली, सूरज पर थूकने से वो खुद पर गिरेगा। संजय राउत का आरोप, नया संसद भवन मेगा शो, अंदर जाते समय ऐतिहासिक इमारत जैसी नहीं करते महसूस। जेडीएस कर्नाटक के उपाध्यक्ष सैयद सैफुल्ला ने छोड़ी पार्टी, बोले बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के साथ गई पार्टी। बंगलुरु में पूर्व सीएम येदियुरप्पा से मिले जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी, कहा येदियुरप्पा जैसे बड़े नेता ने लिया आशीर्वाद। प्रियंका चतुर्वेदी ने उमा भारती पर तंज कसते हुए कहा उमा भारती ने महिला बिल में पहले की थी ओबीसी कोटे की मांग, डांट पड़ने पर लिया यूटर्न। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने विरोध प्रदर्शन किया, आपदा प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। हरीश रावत ने कहा 2024 में मिलता था 8000 का मुआवजा, अब मिलना चाहिए 10000 रुपए, ये किसानों का अपमान। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रख्यात उड़ीसी गायक प्रणव पटनायक से की मुलाकात। राजमुंद्री जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू समर्थन में आए आईटी के कर्मचारी, उनका चलो राजमुंद्री आह्वान। तेलंगाना बॉर्डर पर आंध्र पुलिस चेकिंग में जुटी, ओबीसी वोटर की पहली पसंद नरेंद्र मोदी। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे में 56%
ओबीसी वोटर ने एनडीए को चुना। 52% हिंदू वोटर मोदी को वोट देने के लिए तैयार। इंडिया अलायंस के फेवर में सिर्फ 29% वोट। इंडिया अलायंस के नेताओं की टिप्पणी से आहत हुए सनातनी हिंदू। सर्वे में 72% हिंदू ने कहा होंगे एकजुट। मुस्लिम वोट का भी शुरू होगा ध्रुवीकरण। 84% मुस्लिम एक साथ वोट करने को तैयार। मध्य प्रदेश के खंडवा में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का दूसरा दिन। आज दरबार लगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। पहले दिन की कथा में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अंग्रेजी शिक्षा दो, लेकिन संस्कार देना मत भूलना। नागपुर में भारी बारिश से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। जल जमाव घटने के बाद दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। नागपुर में भारी बारिश और बाढ़ से कई घरों को नुकसान पहुंचा। अंबाजारी इलाके में आई तस्वीर। नागपुर में सीएम डेप्यूटी सीएम फडणवीस बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते नजर आए, हालातों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में बाढ़ प्रभावित अंबाजरी क्षेत्र का दौरा किया, कहा 170 मिलीमीटर हुई बारिश ये एक संकट। नितिन गडकरी ने कहा ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे लोगों को ना हो समस्या। नाग नदी पर जीसा प्रोजेक्ट में ये विकास होने वाला है। जम्मू कश्मीर हाईवे पर रामबन के पास लैंडस्लाइड। हाईवे पर आया पहाड़ का बड़ा हिस्सा, ट्रैफिक बंद। हाईवे से मलबा हटाने में जुटी बीआरओ और प्रशासन की टीम। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लगी। नैनीताल के चाटन लॉज आवागढ़ कंपाउंड में लैंडस्लाइड से 30 साल पुरानी सुरक्षा दीवार गिरी। 2 मंजिला मकान भी ध्वस्त हुआ। लैंडस्लाइड से 2 दूसरे मकान भी क्षतिग्रस्त। पास के 12 से ज्यादा मकानों पर भी खतरा। आसपास के घरों को खाली कराया गया। उड़ीसा के कोरापुट में लैंडस्लाइड। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। मलबा हटाने के काम में जुटे कर्मचारी। कोलकाता के कई इलाकों में भारी बारिश। सड़कों पर पानी भरा। तमिलनाडु के आसमानी आफत का कहर। चेन्नई शहर में कई इलाकों में भारी बारिश। गृहमंत्री अमित शाह ने लालबाग चौराजा के दर्शन किए। सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गणपति की पूजा कर आशीर्वाद दिया। गुजरात के सूरत में भगवान गणेश की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी। हीरे सोने और चांदी के आभूषणों से भगवान गणेश की मूर्ति को सजाया गया। सूरत में हुई गणेश महाआरती में शामिल हुए सभी समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई समुदाय के लोगों ने भगवान गणेश की पूजा की। सूरत में पुलिस ने सजाया अनोखा गणपति का पंडाल। पुलिस की छी टीम यूनिट की तर्ज पर लगाया गया पूजा का पंडाल। सूरत में चंद्रयान 3 मिशन की थीम पर गणपति पंडाल देखने के लिए जुटे हजारों भक्त। उज्जैन में महाकाल के दरबार में क्रिकेटर जितेश शर्मा बाबा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। मदुरई के अन्नानगर में एक इवेंट में हादसा। भारी भीड़ के कारण टूटा बैरिकेड, कई लोग घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब का कहर, 2 लोगों की मौत, 2 की गई आंखों की रोशनी। कई लोगों की हालत खराब। शराब पीने के बाद लोगों की बिगड़ी थी तबीयत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। अमृतसर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। पाकिस्तानी ड्रोन के साथ 500 ग्राम हेरोइन बरामद। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना इलाके में मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में डबल मर्डर के 3 आरोपी घायल, अस्पताल में भर्ती। आरोपियों के पास से बाइक, पिस्टल, कारतूस बरामद। 20 सितंबर को व्यापारी पिता पुत्र के मर्डर का है आरोप। बाड़मेर में सहलाऊ गांव से दर्दनाक हादसा। स्कूली बस और डंपर के बीच टक्कर, 1 छात्रा की मौत, 1 दर्जन के करीब बच्चे घायल। 3 स्टूडेंट्स की हालत नाजुक, जोधपुर रेफर कर इलाज के लिए भेजा गया। 9 स्टूडेंट्स का गागरिया CHS में किया गया इलाज। नवी मुंबई में लक्ष्मी हॉस्पिटल के बाहर बैग में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली में ताजिया जुलूस के चलते यातायात प्रभावित। KG रोड, कनॉट प्लेस समेत कई जगहों पर रूट्स बदले गए। गाजियाबाद के लोनी में 2 मंजिला मकान गिरा। पुलिस दमकल विभाग ने मौके पर 7 लोगों को निकाला। हादसे में 1 की इलाज के दौरान मौत। DCP ग्रामीण ने बताया घटना के कारणों की जांच जारी है। झांसी में वारंट लेकर पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला। आरोपी ने कुल्हाड़ी से किया वार, 1 सिपाही गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की। पुलिस ने भी बचाव में बदमाश पर जवाबी फायरिंग की। आरोपी को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा की एक और सोसाइटी में मामूली बात पर झगड़ा। एक महिला और उसके दोस्त पर RWA अध्यक्ष को धमकाने का आरोप। मुंबई से अहमदाबाद जा रही हमसफर ट्रेन में आग लगी, सभी यात्री सुरक्षित। एशियन गेम्स में भारत हॉकी टीम का दमदार आगाज। पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 16-0 से हराया। एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। एशियन गेम्स में भारत का रोइंग में सिल्वर। अर्जुन लाल अरविंद सिंह ने लाइट वेट डबल सकल में जीता गोल्ड मेडल।
सिल्वर मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स में भारत को रोइंग में दूसरा मेडल मिला। लेख रामबाबू लाल यादव की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियन गेम्स में भारत को महिला निशानेबाजों ने भी सिल्वर मेडल दिलाया। मेहुली घोष, रमिता आशी चौकसे ने 10 मीटर एयर राइफल में निशाना लगाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की आज शादी, उदयपुर में लेंगे सात फेरे। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी से पहले उदयपुर में रोशनी से जगमगाया होटल ताज लेक पैलेस और लीला पैलेस।